तो जैसे हमारे MTS 2021 बैच से एक पोस्ट है हवलदार की, हाँ, जो कि DGPM में है या फिर आपकी CBIC में भी है, कस्टम्स में भी है। तो जैसे आप एज अ GST इंस्पेक्टर काम कर चुके हो या फिर अभी आप कस्टम्स में जा रहे हो, तो वहाँ पे हवलदार का वर्क नेचर कैसा है? जैसे MTS के जैसा ही है और आपका यूनिफॉर्म वगैरह, यूनिफॉर्म होते या नहीं, उनका वर्किंग डेज क्या होता है, ठीक है, या फिर आपका वर्किंग डेज क्या है? वो सब जैसे हवलदार का है तो कोई MTS से कोई अलग नहीं है, बस ये है कि हवलदार का एक यूनिफॉर्म दे रखा है, उनको भी अपने जो ऑफिसर है उनके बाहर मतलब बैठना है कि देखना है कि कोई कोई आ रहा है मिलने के लिए, किसको मिलवाना है, या फिर ऑफिसर कोई कुछ बोले तो वो करना है आपको। वर्किंग डेज वही है आपका कि जो 5 डेज इन वीक होता है वो रहना है, या फिर जब आपका सीनियर आपको बुलाता है कि हाँ आ जाओ तब आपको जाना पड़ेगा। हाँ उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें कोई हेक्टिक नहीं है। क्या करना है आपको, अपना आपका ऑफिसर अंदर बैठा है, आपको बाहर बैठे हो, कोई आ रहा है मिलने के लिए हम मिलवा दिया, कोई इतना कोई ज़्यादा आता नहीं है, आप आराम से उसमें भी इजीली पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ने चाहें तो। जैसे आप बता रहे थे सर्च ऑपरेशंस पे जाते हैं या रेड्स कहते हैं जिसे हम अक्सर, तो उसमें भी असिस्ट करना रहता है? हाँ, जैसे हम लोग बताऊंगा मैं आपको, मैं 2 बार सर्च पे जा रखा हूँ, एक बार विजिट पे भी गया था। तो सर्च पे जाते हैं हम लोग, इंस्पेक्टर जाते हैं तो फिर हवलदार को भी ले जाते हैं, हवलदार भी यूनिफॉर्म में अपने जाते हैं, एज ए हमें असिस्ट करते हैं वहाँ पे, जहाँ हम जाते हैं सर्च पे तो वहाँ पे हमें हवलदार को ले जाते हैं ताकि वो हमें असिस्ट कर सके। और सैलरी में कोई डिफरेंस है MTS से हवलदार में? ऑलमोस्ट सेम है, सेम है, सेम ऑलमोस्ट सेम। कोई स्पेशल अलाउंसेस वगैरह? नहीं स्पेशल अलाउंस तो नहीं होता, बस सेम है, सेम ही। हाँ।